फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन, मुझे अपने बॉस से नहीं बनती है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कि किसी को किसी से बनता नहीं है, यानी अच्छे रिश्ते नहीं हैं, या फिर हम ये कहते हैं किसी को किसी से बनता है, यानी उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, अच्छे रिश्ते हैं। जैसे अक्सर आप ये कहते होंगे, मुझे तुम्हारे भाई से नहीं बनती है, या मुझे तुम्हारे पापा से नहीं बनती है, या मेरे पापा को तुम्हारे पापा से बनती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि बनता है, बनती है, यानी दो या दो से नाउन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप फेज वर्ड गेट अलोंग विद का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है अच्छे रिश्ते हैं या बनता है। जैसे ललन को अपनी बीवी से बनती है, तो आप कहेंगे ललन गेट्स अलोंग विद हिज वाइफ, यानी ललन और उसकी वाइफ के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, दोनों का संबंध अच्छा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गेट अलोंग विद का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी अगर आपका सेंटेंस ताती में है, यानी प्रेजेंट में है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। अगर आपके सेंटेंसेस पास्ट में है, यानी गुजर गया, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का सहारा लेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस टेंस में आपके सेंटेंसेस है, उस टेंस में आप गेट का इस्तेमाल करें, गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको कहना हो ललन को अपनी बीवी से नहीं बनती है, तो आप कहेंगे ललन डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में जब बात नहीं की हो, तो आप डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैंने आपको पार्ट 6 में अच्छा से सिखाया कि डू नॉट, डज नॉट क्या है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखें, ताकि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से मालूम चल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे उस लड़की से बनती है, तो आप कहेंगे आई गेट अलोंग विद दैट गर्ल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मुझे उस लड़की से नहीं बनती है, तो आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद दैट गर्ल। अगर आपको कहना हो मुझे अपने पड़ोसियों से बनता है, आई गेट अलोंग विद माई नेबर्स। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मुझे अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है, तो आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई नेबर्स। मुझे तुम्हारे भाइयों से नहीं बनती है, आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद योर ब्रदर। मुझे क्लास टीचर से नहीं बनती है, तो आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई क्लास टीचर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे धोखेबाज लोगों से नहीं बनती है, आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद चीटर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे मक्कार लोगों से नहीं बनती है, आई डोंट गेट अलोंग विद कनिंग पीपल। मुझे अपनी बीवी से नहीं बनती है, आप कहेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद माई वाइफ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक शानदार लेसन के साथ। तब तक के लिए।